सबसे आसान टेस्टी यम्मी ऐसे सूजी पाइनएप्पल स्लाइस केक बनाने में भी एकदम आसान है और इतना सॉफ्ट और यम्मी ये केक बना है, वो भी बिना ओवन के। आपको कट करते हुए ही समझ में आएगा, देखिए कितना सॉफ्ट ये केक बना है और घर में ही रखी चीज़ों से ये कम खर्चे में तैयार होने वाला ये सूजी पाइनएप्पल स्लाइस केक बहुत ही यम्मी लगता है। आपको मैं बताती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना, एकदम स्पंजी ऐसी ये केक बना है और वो भी बिना ओवन के घर की चीज़ों से कम खर्चे में तैयार होने वाला ये स्लाइस केक। अब बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या घर में कोई किटी पार्टी वगैरह हो तो आप इसे बना सकते हैं, सबको ही बहुत पसंद आएगा। और एकदम कुछ अलग फ्लेवर का टेस्ट का ये केक हम लोग बनाएंगे, सूजी पाइनएप्पल स्लाइस केक। देखिए आप अगर एक बार इसे आपने बना लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ घर वाले और बच्चे आपसे बार बार बनाएंगे और इतना आसान और टेस्टी केक बनाने में आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए एक सूजी, एकदम फाइन वाली सूजी लेनी है हमें 1 कप। सूजी तो घर में ही रहती है तो घर के ही चीज़ों से इतना आसान केक बना सकते हैं आप। और इसमें मैंने यहाँ पे 1/4 कप मैदा डाला है सूजी को बाइंडिंग के लिए, यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। साथ ही में डाला है आधा कप पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी मिक्सर में डाल के आप पीस के डाल सकते हैं इसमें, और मीठे के हिसाब से आप कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। और 2 चम्मच भर के ये मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, कोई भी बिना फ्लेवर वाला, ज़्यादा स्मेल नहीं आनी चाहिए, वैसे ही रिफाइंड ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही में 1 कप यहाँ पे मैंने दूध लिया है, दूध को रूम टेम्परेचर वाला हमें लेना है और एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मिक्स करते जाना है, एक साथ दूध मत डालिए। तो देखिए वो क्या है कि चीनी की मात्रा के हिसाब से भी आपको दूध कम ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए अगर आपने चीनी ज़्यादा डाली है तो दूध थोड़ा कम लग सकता है, इसके लिए एक साथ दूध बिल्कुल भी नहीं डालें, कम ज़्यादा इसके लिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए और दूध मिलाते जाइए। अभी मुझे 1 कप तो दूध पूरा ही लगने वाला है, तो इसलिए मैंने ये दूध पूरा मिक्स कर दिया है और पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिना गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। अगर मेरी दिखाई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी ये बैटर आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन सूजी को फूलने के लिए थोड़ा बैटर पतला ही रखना चाहिए। अभी इसे ढक के ना हम लोग आधा घंटा साइड में रख देते हैं। तो आधे घंटे के बाद देखिए सूजी अच्छी तरह से फूली है, अच्छी तरह से फूल के बैटर भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अभी इसमें हमें और थोड़ी चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके बाद ये बैटर और थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर, छोटे छोटे पैकेट आते हैं ना, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो टेस्ट आता है ना, ज़बरदस्त आएगा केक को, ना ही हम लोग इसमें मावा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप मैंने डाला है पाइनएप्पल क्रश, इसकी जगह आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं या इसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए इमल्शन पाइनएप्पल इमल्शन डाल रही हूँ, ये क्या इसेंस और कलर दोनों का काम करता है, तो इसके लिए बस 2 ड्रॉप मैं यहाँ पे पाइनएप्पल इसेंस डाल रही हूँ इमल्शंस, इसे कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा केक को हमारे। इसकी जगह आप खाली इसेंस भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा फूड कलर येलो डाल सकते हैं। फिर आधा TSP में यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 TSP बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एकदम बराबर मात्रा में डालिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो केक थोड़ा हार्ड हो सकता है। साथ ही में ऊपर से थोड़ा सा दूध 1/2 चम्मच जितना, और अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने से पहले आपको क्या करना है, बेकिंग ट्रे जो आप ले लेंगे ना उसको बटर पेपर से पूरा कवर कर लीजिए, या अगर बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप कुकर का डिब्बा भी ले सकते हैं, उसे आप बटर पेपर नहीं है तो घी से ग्रीस करके थोड़ा सा सूखा मैदा जो है उसे डस्ट कर लीजिए। और साथ ही में मैंने गैस पे कढ़ाई जो है, कढ़ाई या बर्तन आप जो भी इसमें केक बेक करने वाले हैं उसे आप एकदम लो फ्लेम पे 10 मिनट पहले बेक करने प्रीहीट करने रखिए। फिर इसमें जो बेकिंग ट्रे है उसमें मैंने ये पूरा बैटर डाल दिया है और थोड़ा सा ही टैप करना है हल्का सा 1-2 बार,
और तुरंत हमें इसे प्रीहीट किए हुए कढ़ाई में रखना है 10 मिनट पहले, एकदम लो फ्लेम पे हमें ये ध्यान रखे प्रीहीट करके रखना है कढ़ाई को या जो भी आप बर्तन लेंगे उसे, और अच्छी तरह से कवर करके इसे 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रखना है हमें। गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखिए। अभी यहाँ पे मुझे देखिए केक बेक करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसे खोल लिया और उस पर तुरंत हम लोग डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इससे दिखने में भी केक बहुत अच्छा दिखेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने बादाम के स्लाइसेस किए हैं, थोड़ा सा काजू और थोड़े से टूटी फ्रूटी लिए हैं, फटाफट ऊपर से डालने हैं हमें और वापस से कवर करके पूरा 35 मिनट्स होने तक हमें बेक करना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और ऊपर से कवर करके हमें वापस से बेक करने के लिए रखना है। तो देखते हैं 35 मिनट्स हमारे केक बेक होने के लिए हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी धार वाली छुरी से या टूथपिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं चेक करने के लिए। देखिए एकदम क्लीन निकली, यानी अच्छी तरह से हमारा जो केक है बेक हो चुका है। अगर उस छुरी में कुछ थोड़ा सा बैटर लगा तो आप और 5 मिनट बेक कर लीजिए। तो केक को पूरा अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही हमें इसे निकालना है। तो देखिए केक पूरा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे पूरा बेकिंग ट्रे से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल उसके ऊपर डिश रखिए और थोड़ा सा हल्का सा टैप कर लीजिए। बटर पेपर लगाया है, इसकी वजह से केक जो है तुरंत निकल आता है। तो देखिए कितनी इजीली हमारा जो है केक निकल आया बटर, और बटर पेपर जो है उसे पूरा निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया एकदम पाइनएप्पल स्लाइस केक तैयार, एकदम सॉफ्ट और यम्मी। छूते ही आपको समझ में आ रहा होगा कितना सॉफ्ट केक बना है। इसके पतले पतले स्लाइस कट कर लेंगे, आपको जो हिसाब से स्लाइस कट करने हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसकी जगह आप राउंड केक भी बना सकते हैं, वो भी सेम ही टेस्ट में है और एकदम यम्मी और टेस्टी। आप केक आसानी से कैसे घर में बना सकते हैं वो मैंने आपको बताया, तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपी का आनंद ले सके। और आपका कमेंट जो है उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर से कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।